गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए दयालु सरकार ने गुरुवार शाम मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला दिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के मद्देनजर बृहस्पतिवार को यहाँ मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की तीन प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला किया। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि बैठक में संघर्ष समिति की मांगों के संबंध में विचार विमर्श करके तीन प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय किया गया है। इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1252 अभ्यर्थियों का परीक्षा काल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षाधीन पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल दी जाएगी। वहीं अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को नवीन अनुसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बार फिर केंद्र सरकार को तत्काल लिखा जाएगा। इसके साथ ही गुर्जर आंदोलन के दौरान घायल हुए जिन तीन लोगों के बाद के वर्षों में मौत हो गई थी, उनके परिवारों को सामाजिक स्तर पर सहायता जुटाकर 5 लाख रुपए दी जाएंगी। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने अपनी मांगे नहीं मानी जाने तक 1 नवंबर से पिछले आंदोलन की घोषणा कर रखी है। इसी के मद्देनजर बैठक हुई है। संघर्ष समिति के सदस्यों को भी बैठक में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। वही समिति ने एक बार फिर से दोहराया है कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के लिए बातचीत के सभी रास्ते खुले हैं। बैठक में रघु शर्मा जी और गृह सचिव अभय कुमार जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के शासन सचिव गायत्री ई राठौर भी शामिल हुई। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर दौसा प्रशासन अलर्ट है और वहां की इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। ज्ञातव्य है कि गुर्जरों को 5% आरक्षण दिया जा चुका है, लेकिन आरक्षण को 9th शेड्यूल नवीन सूची में शामिल करवाने के लिए गुर्जर समाज लगातार प्रयासरत है।